रायपुर में देवेंद्र नगर स्थित केरला समिति द्वारा संचालित आदर्श विद्यालय में फीस बढ़ाए जाने की मांग को लेकर पालकों ने जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही पालकों ने प्रिंसिपल पर आरोप भी लगाया कि पुस्तक और यूनिफॉर्म स्कूल प्रबंधन में कमीशनखोरी से दुकानों पर बेची जा रही है। आदर्श स्कूल में लगातार हर साल फीस में बढ़ोतरी की जाती है, इसे लेकर पालकों को किसी प्रकार से कोई सूचना नहीं दी जाती है और स्कूल प्रबंधन अपनी मनमानी करती है। आदर्श विद्यालय स्कूल में फीस की बढ़ोतरी हर साल होती है। क्या मनमानी चल रही है? हाँ, इनकी बहुत मनमानी चल रही है और बस का किराया भी हर साल अनाप शनाप ही बढ़ाया जाता है और यहाँ प्रॉब्लम लेके आओ तो वो सुनकर उसको टाल दिया जाता है, उस पर कार्यवाही बिल्कुल नहीं होती है। और यहाँ पर केरला समाज के बच्चों को आरक्षण दिया जाता है, फीस कंसेशन दिया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ के लोगों का हाँ ऐसा ही है, क्योंकि उन लोग से फीस जो है 40% ली जाती है चाहे कितने भी सक्षम हो, और कंसेशन दिया जाए परंतु देख कर जो ज़रूरतमंद है उसको ही कंसेशन दिया जाए, केवल केरला समाजों को ही कंसेशन मिलता है, नहीं होता। शासन से ऐसा मांग करेंगे? नहीं, हाँ शासन से हम ऐसा मांग करेंगे और उनसे फीस में जो बढ़ोतरी हुई है उसके लिए कुछ निदान की कोशिश करें। नाम बता। मेरा नाम योगिता साहू। सब पेरेंट्स लोगों ने मीटिंग किए हैं, हम लोगों को तो बाहर कर दिए थे, वो वाइस प्रिंसिपल है उन्हीं से बात हुई है अंदर जाके, तो देखिए क्या निकलता है उसमें निर्णय आगे चल के। अभी तो इतना ही बोले हैं कि हाँ देखते हैं करके, वहाँ से जो ऑर्डर आया है बोले हमने उतनी ही फ़ीस बढ़ाया है, बोले 10% ऑर्डर आया है बोले, लेकिन हमने 7.5% किए हैं, ऐसे करके बोलने लगे। अब देखिए तो यहाँ पे 7.5% ही क्यों किया गया, उसे कम भी कर सकते थे लेकिन इन्होंने नहीं किए, ना ही नोटिस बोर्ड पे लगाए, कुछ लोगों को बुलाकर बस इन्होंने साइन वगैरह ले ली, उनका नंबर ले लिए और बता दिए कि फ़ीस बढ़ाना है करके, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं पता है। पेरेंट्स मीटिंग में हुआ था बोलते, लेकिन हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है, तो इसी वजह से हम लोग आए थे बोलने के लिए। अब वही कुलदीप जुनेजा जो सर है उनके बाद से हम शिक्षा मंत्री के पास जाएंगे। पिछले साल में जो फीस की समस्या को लेकर आए थे केवल हमको आश्वासन दिया गया ताकि हाँ फीस कम हो जाएगी, लेकिन इस बार तो बढ़ चुकी है फीस, अब नेक्स्ट ईयर हम फीस नहीं बढ़ेंगे करके ऐसा आश्वासन देंगे स्कूल वाले हमको शांत करा देते, लेकिन चूँकि इस सत्र में फिर फीस की बढ़ोतरी की गई और यहाँ जो बढ़ोतरी हुई है केवल छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं उनके लिए ही बढ़ोतरी हुई है, यहाँ जो केरला सोसाइटी के बच्चे हैं उनके लिए फीस की बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसमें हम हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है छत्तीसगढ़ियों के साथ जो छत्तीसगढ़ के प्रॉपर हैं, तो मेरा फीस के लिए अभी वाइस प्रिंसिपल से ही बात हुई है, अभी प्रिंसिपल से बात नहीं हो पाई है, अगर इसमें उचित कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम अभी हमारे ये स्कूल आकर उत्तर विधानसभा क्षेत्र तो हम यहाँ के लोकल जो हमारे उत्तर विधानसभा के विधायक श्री कुलदीप जुनेजा जी के पास गए थे, तो उनके द्वारा कहा गया कि आप स्कूल में पहले बात करिए, अगर स्कूल से कहीं सही परिणाम सामने आता है तो मीटर यहीं समाप्त हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो हम आपके साथ मिलकर शिक्षा मंत्री और उच्च यानी कि मुख्यमंत्री तक ये आपकी बात पहुँचाएँगे और भरसक प्रयास करेंगे कि आपके बच्चों को और जो केरला सोसाइटी के बच्चे हैं दोनों का फीस संतुलित रहे। सर क्या नाम है? दिनेश जंगू, एडवोकेट रायपुर। आदर्श विद्यालय देवेंद्र नगर द्वारा ये केरला समाज द्वारा चलाई जा रही है, ये बाहर से आके छत्तीसगढ़ में यहाँ के छात्र छात्राओं से जो फीस वसूली कर रहे हैं वो अपने मनमानी ढंग से करते हैं। यूनिफॉर्म के लिए इन्होंने जो जगह तय की है जिस दुकान से लेना है वहीं से दुकान ले उसी दुकान से यूनिफॉर्म बेल्ट वगैरह खरीदना पड़ता है, अगर उनको कमीशन पर्याप्त नहीं मिलता तो ये अगले सत्र में उस दुकान को बदल देते हैं, तो ये सिर्फ कमाने का हुआ। शासन द्वारा चाहे मध्य प्रदेश शासन हो या छत्तीसगढ़ शासन शिक्षण संस्थाओं के लिए विशेष रियायत रहती है, जिसमें जमीन का जैसे ये जमीन जो है जिसपे ये स्कूल बिल्डिंग खड़ी हुई है ये रायपुर विकास प्राधिकरण योजना के अंतर्गत इनको लीज पे कम से कम रेंट पे भू वाटक पर इनको अलॉट की गई है, और यहाँ से छात्र छात्राओं को उतनी सुविधा नहीं मिलती जो
शिक्षण संस्थाओं द्वारा देना चाहिए। अभी फीस बढ़ाने के मामले को लेकर के आप लोग गए थे, तो क्या बोले? अब वो विचार करेंगे तो ये विचार नहीं कर सकते, ये तो एक आश्वासन है, झूठी तसल्ली है। और दूसरा यहाँ की जो है, आप लोग कहाँ जाएंगे अगला स्तर क्या होगा कि यहाँ बात? हम शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, मुख्यमंत्री हैं, कलेक्टर को भी कॉपी देंगे और जिला शिक्षा अधिकारी को भी इसकी कॉपी देंगे। ये हम लोगों ने सब पालकों ने मिलकर तय किया है, क्योंकि ये उनके लेवल का नहीं है। और दूसरा जो प्रिंसिपल मैडम है वो इतनी अशिष्ट हैं, इतनी अव्यवहारिक है, इनको बात करने का तरीका भी नहीं है कि पेरेंट्स आते हैं तो उनसे किस ढंग से बात करें। तो ये तो ना अपने स्टाफ के साथ ठीक से बिहेव करती हैं, ना बच्चों के साथ, और हम पेरेंट्स भी हम देख चुके हैं। पर क्या जी? नाम बता। मैं अपना नाम, मैं आरबी व्यवहार, रिटायर्ड रेवेन्यू इंस्पेक्टर कलेक्ट्रेट रायपुर। सर ऐसा है नहीं, क्योंकि स्कूल की फीस बढ़ाने के लिए हम एक मीटिंग ज़रूर रखते हैं, और फीस बढ़ाने से पहले उसका स्ट्रक्चर स्टडी किया जाता है कि हमें हमारे खर्च के हिसाब से कितना बढ़ाना चाहिए, उससे आगे हम नहीं बढ़ाते हैं। 10% तक की हमको परमिशंस भी रहती हैं, फिर भी हमने कभी 10% नहीं बढ़ाया। इस बार भी जो फीस बढ़ाई गई है वो पिछले साल के कंपैरिजन में सिर्फ 7% या 8% बढ़ाई गई, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाई गई है। उसके हिसाब से हम सुविधाओं में भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये कहना कि मनमानी तरीके से बढ़ा दी गई है, ये तो ज़रा ठीक नहीं है सर, मेरे हिसाब से ठीक नहीं। हम लिमिट के अंदर ही बढ़ाए हैं, लिमिट के बाहर नहीं गए हैं। पेरेंट्स के साथ मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट होने के बाद ही, उसको स्टडी करने के बाद हमने बढ़ाया, ऐसे नहीं बढ़ाया। जिस प्रकार से पेरेंट्स आपको से धोखा के आज स्कूल का घेराव देते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में तालमेल नहीं बनी, इसी वजह से आज मीडिया को। हाँ ठीक है, अगर पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम था इससे रिलेटेड तो वो मेरे पास भी आ सकते थे, मैनेजमेंट से भी बात कर सकते थे। आक्रोशित होने से तो कोई सलूशन निकलता नहीं है, अगर सलूशन निकालना है तो हमें पीसफुली बैठ के निकालना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप कंपेयर करें दूसरे स्कूल्स के साथ भी, तो कहीं ना कहीं हम नीचे ही हैं सर, हम ऊपर तो नहीं हैं इन एनी केस। हाँ देखिए, मैं वो आपको जानकारी दे सकती हूँ कि हमने किसी भी फीस स्ट्रक्चर में 100 रुपीज से ऊपर तो बढ़ाया ही नहीं है सर। किस तरह से बोल दिया गया है ये नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको देखना है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख, 900 रुपये आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, आप देख लीजिए। हमारे पास फीस स्ट्रक्चर की पूरी कॉपी हम लेकर के बैठे हैं आपके लिए, आप देख सकते हैं। ये देखिए, पिछले साल हमारी ट्यूशन फीस 1300 रुपये थी नर्सरी में, इस साल वो 1400 रुपये, तो कहाँ 900 रुपये बढ़े, आप खुद देखिए, 100 रुपये ही तो बढ़ा है, हैं? इसके बाद ये 1720 था या 1850, कहाँ हमने बढ़ा दिया इतना सारा फीस, आप बताइए। ऐसे नहीं होता है सर, ये गलत इल्ज़ाम है। 100 रुपये से ज़्यादा अगर आपको कहीं दिखाई दे रहा है तो आप देख लीजिए। सर ये देखिए, ये जो आप स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो आपको इस वक्त एग्जैक्ट स्ट्रेंथ हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी एडमिशन्स का समय चल रहा है, बहुत सारे बच्चे अभी TC लेके जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आने की स्थिति में है लेकिन फाइनल नहीं हुआ है, तो अभी टोटल स्ट्रेंथ बताना तो बहुत मुश्किल है। पिछले साल थे हमारा 1400 के आसपास का स्ट्रेंथ था सर। सुविधाएँ ये बढ़ाई गई हैं कि बसेस का अवेलेबिलिटी बढ़ाया गया है, बसेस के रूट बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, और जिन बसेस को हम अपडेट कर रहे हैं उनमें हम सुविधाएं और बढ़ा रहे हैं। जो हमारी पहले की सुविधाएं थी उससे हमको लग रहा है कि हमें कुछ और बढ़ाना चाहिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के नाम पे बढ़ाना, फर्स्ट एड बढ़ाना, पानी का प्रॉब्लम आ रहा है, वो सारी चीज़ों पर हम फोकस कर रहे हैं। पहली बात केला समाजों के लोगों को छूट दी जाती है, बाकी लोगों को नहीं दी जाती, ये भी गलत जानकारी, बाकी लोगों को नहीं दी जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे पेरेंट्स फीस नहीं पटा पा रहे हैं, उन्होंने एप्लीकेशन डाला है, प्रेसिडेंट्स ने उसको भी कंसिडर किया, उनमें कई लोगों को तो 50% और कई लोगों को तो माफ़ कर दिया, टोटल माफ़ कर दिया फीस। तो ये तो कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि केरला समाजम के ही लोगों को दिया जाता है, बाकी लोगों को नहीं दिया जाता। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि अनुपात अलग अनुपात अलग हो सकता है, लेकिन नहीं दिया जाता ये सही है। ये मेरा आपका नाम? मेरा नाम सुमन है। मेरा नाम सुमन है। पूरा परिचय सर, मैं प्रिंसिपल हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे 90 मंथ से काम करती हूँ, इसके बारे में लेक्चरर थी पिछले 3 साल से, मेरा प्रमोशन यहाँ पे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।